दोस्तों आमतौर पर सभी सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल फोर्सेज भी होती है जिन्हें आतंकवादी हमले से निपटने, प्लेन हाईजेक होने की स्थिति में बंदूकों को छुड़ाने, दुश्मनों के घर में घुसकर बदला लेने और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए ट्रेंड किया जाता है। उरी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक तो आपको याद ही होगी, जिसमें हमारे देश के नौजवानों ने पाकिस्तान में घुसकर वहां चल रहे आतंकी हड्डों को न सिर्फ तबाह किया था बल्कि 36 आतंकियों को मार भी गिराया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं ये कौन से फोर्सेस के जवान थे जिन्होंने दुश्मन देश में जाकर उन्हें खत्म किया? ये जवान थे इंडियन पैरा कमांडोज। इन कमांडोज को इस तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए इतनी कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि कई कमांडोज तो इसकी ट्रेनिंग में ही दम तोड़ जाते हैं। जी हाँ, नहीं मानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानिए कि एक आम इंसान स्पेशल ट्रेनिंग और अपने जज्बे के दम पर कैसे बन जाता है फौलाद। नमस्कार दोस्तों, यंग इंडिया चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के नीचे लाल बटन दबा दे जिनसे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आज हम मिलकर जानेंगे कैसे होती है इंडियन पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग। दोस्तों रेड डेविल के नाम से जाने जाने वाला पैरा कमांडोज भारतीय सेना की सबसे ज्यादा प्रशिक्षित एलीट फोर्स है। इनकी पहचान इनके सर पे लगी मैरून रंग की टोपी लगी होती है। इसी फोर्स के जाबाज कमांडोज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर उरी हमले का बदला लिया था। पैरा कमांडोज का गठन साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किया गया था। इस फोर्स का गठन स्पेशल ऑपरेशंस, हॉटेस्ट सिचुएशन से निपटने, पर्सनल रिकवरी और इंटेलिजेंस ऑपरेशन को अंजाम देने के हिसाब से किया गया था। ये कमांडोज भारतीय वायुसेना के पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं। इस समय पैराशूट रेजिमेंट में कमांडोज की 8 बटालियन तैनात है। पैरा कमांडोज के लिए जवानों का सिलेक्शन सेना की विभिन्न रेजिमेंट से किया जाता है और इसे ज्वाइंट करने वाले सभी जवान स्वेच्छा से वॉलंटियर करते हैं। उस रेगुलर आर्मी के जवान और कुछ नए जवानों को पैरा कमांडो बनने के लिए शरीर और आत्मा दोनों तोड़ देने वाली 3 से 6 महीने लंबी ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। ये ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि इसमें हिस्सा लेने वाले 30% सैनिक ही इसे पूरा कर पाते हैं और जो इन सभी कठिनाइयों से पार पाकर ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं वो बनते हैं इस इम्प्रेसिव मैरून कैप के हकदार। ट्रेनिंग के दौरान सभी जवानों की मानसिक और शारीरिक क्षमता को अच्छे से परखा जाता है। सबसे पहले जवानों को पैरा ट्रूपर बटालियन में जगह बनानी होती है। इसकी ट्रेनिंग 3 से 6 महीने तक चलती है। पहले 90 दिनों में प्रोमिसिंग कैंडिडेट को फिल्टर किया जाता है। पैरा बनने की ट्रेनिंग के दौरान जवानों को एक रूट मार्क कम्प्लीट करना होता है जिसमें 23 किलोग्राम का वजन उठाकर 60 से 70 किलोमीटर की दौड़ सैनिक लगाते हैं। इसके अलावा इन्हें हर तरह के हथियारों को चलाना, बम और बारूद, सुरंगों का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है। 90 दिनों की इंसुलिन ट्रेनिंग के बाद सैनिकों के लिए एक 5 हफ्ते का हेल वीक शुरू होता है जिसमें इन सैनिकों को बेहद ही कम नींद और खतरनाक चुनौती के लिए टास्क दिए जाते हैं। इन टास्क में 25 मीटर दूर टारगेट पर निशान लगाना, जब आपका बड़ी बिल्कुल इस टारगेट के साथ खड़ा हो, ऐसे टारगेट भी शामिल होते हैं। पहले फेज में जंगल में सर्वाइवल की रूट ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरे फेज में दुश्मनों से बचने के लिए रेस्क्यू करने की ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरे फेज में बहुत टफ होता है और इसमें सैनिकों के दिमाग को इसके शरीर की तरह फौलाद बनाया जाता है। इसमें पकड़े जाने पर इमोशनल कंट्रोल, इंटरेगिशन से बचने की टेक्निक्स और खराब से खराब मानसिक स्थिति में भी सही निर्णय लेने की ट्रेनिंग इन कमांडोज को दी जाती है। ट्रेनिंग इतनी टफ होने के बावजूद मैरून कैप को पाने का जज्बा इन कमांडोज के हौसले बुलंद रखता है। ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल दौर होता है एक 36 घंटे लंबा अभ्यास जिस दौरान बिना खाए बिना सोए मिशन को अंजाम देना होता है। यदि इस दौरान कोई भी जवान सोता या खाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसी समय निकाल दिया जाता है। 36 घंटे की इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद इन्हें 100 किलोमीटर की इंड्योरेंस में भाग लेना होता है जो बेहद ही मुश्किल होती है और ये दौड़ 16 से 17 घंटे में पूरी करनी होती है। इसके अलावा इन्हें 15 दिनों तक लगातार जागने की ट्रेनिंग दी जाती है। पैरा कमांडोज को हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर की मदद से दुश्मन के इलाकों में बिना नजर आए उतरने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही इन्हें पहाड़ों पर कम से कम समय में चढ़ने और संकरी रास्ते और लंबी दूरी तक तैरने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा पैरा कमांडोज जंगली जानवरों की आवाज भी लगा सकते हैं। इन सभी तरह की ट्रेनिंग्स को जो जवान सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है उसे मैरून बेरेट्स यानी गोल्ड टोपी दी जाती है। इसका मतलब है कि इसे पैरा कमांडोज की टीम में शामिल कर लिया गया है। पैरा कमांडोज की टीम हर वक्त किसी मिशन पर होती है या तो जा रही होती है। इनके मिशन में फेलियर का मतलब है मौत। क्या आप भी ऐसी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या आप भी ऐसी ट्रेनिंग पूरी कर सकते हैं तो हमें कॉमेंट
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।